हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर केएस चौगले और हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले स्ट्रेप्टोकॉकस थ्रोट इन्फेक्शन के बारे में। तो थ्रोट इन्फेक्शन होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। इसके अंदर वायरसेस की वजह से भी थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जिक कंडीशंस की वजह से भी थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड खाने की वजह से भी थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन अभी जो हम बात करने वाले हैं वो एक बैक्टीरिया की वजह से होने वाला थ्रोट इन्फेक्शन है, जिसको कि स्ट्रेप्टोकॉकस थ्रोट इन्फेक्शन ऐसे भी कहा जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि स्ट्रेप्टोकॉकस थ्रोट इन्फेक्शन होने के कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं और उसके ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है, इसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रेप्टोकॉकस थ्रोट इन्फेक्शन किस वजह से होता है, इसके बारे में। तो स्ट्रेप्टोकॉकस थ्रोट इन्फेक्शन एक प्रकार के बैक्टीरिया की वजह से होता है। इस बैक्टीरिया को स्ट्रेप्टोकॉकस पायोजेंस ऐसे भी कहा जाता है। और ये बैक्टीरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू भी फैल सकता है, मतलब किसी भी इन्फेक्टेड व्यक्ति के छींकने या फिर खांसने की वजह से जो ड्रॉपलेट निकलते हैं उनके वजह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को इस तरह का स्ट्रेप्टोकॉकस थ्रोट इन्फेक्शन फैल सकता है। तो अब बात करते हैं स्ट्रेप्टोकॉकस थ्रोट इन्फेक्शन के लक्षणों के बारे में। इसके अंदर सबसे पहले तो उस व्यक्ति को गले में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसके साथ साथ उस पेशेंट में रनिंग नोज भी होता है। रनिंग नोज एक ऐसा पर्टिकुलर सिम्टम है जो मोस्टली स्ट्रेप्टोकॉकस थ्रोट इन्फेक्शन में ही देखा जाता है। बाकी जो भी एलर्जिक या फिर वायरसेस की वजह से होने वाले थ्रोट इन्फेक्शन या फिर थ्रोट पेन्स होते हैं उनमें रनिंग नोज का सिम्टम मोस्टली नहीं देखा जाता। इसके बाद उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आना, मतलब 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा बुखार आना, उस पेशेंट के गले में दर्द होना, इसी के साथ साथ उस पेशेंट के टॉन्सिल्स को सूजन आना, रेडनेस होना, उस पेशेंट को भूख न लगना, थकावट महसूस होना, सरदर्द होना, वोमिटिंग सेंसेशन होना या फिर वोमिटिंग होना, बॉडी के ऊपर रैश आना, ये लक्षण भी दिखाई देते हैं। पेशेंट के पेट में भी दर्द हो सकता है, इसी के साथ साथ उस पेशेंट के गले में व्हाइट पैचेस भी बन जाते हैं और उस पेशेंट के मुंह के ऊपर के हिस्से में छोटे छोटे रेड स्पॉट्स भी बन जाते हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं जो कि उस स्ट्रेप्टोकॉकस थ्रोट इन्फेक्शन के पेशेंट में देखे जाते हैं। तो अब बात करेंगे कि कौन से टेस्ट इस तरह के स्ट्रेप्टोकॉकस थ्रोट इन्फेक्शन को डायग्नोज करने के लिए किए जाते हैं, इसके बारे में। इसके अंदर जो सबसे पहला टेस्ट होता है थ्रोट स्वैब टेस्ट। थ्रोट का स्वैब टेस्ट करके भी इस तरह के इन्फेक्शन को डायग्नोज किया जा सकता है। इसके बाद जो दूसरा टेस्ट होता है वो होता है थ्रोट कल्चर टेस्ट। इस तरह के स्ट्रेप्टोकॉकस थ्रोट इन्फेक्शन में मोस्टली ब्लड टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर किसी पेशेंट में कोई एसोसिएटेड कंप्लेंट है या कोई एसोसिएटेड मेडिकल कंडीशन है फिर उस पेशेंट में ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं स्ट्रेप्टोकॉकस थ्रोट इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के बारे में। तो जिस भी व्यक्ति को स्ट्रेप्टोकॉकस थ्रोट इन्फेक्शन है उस पेशेंट को सबसे पहले बात तो बहुत ज़्यादा रेस्ट लेनी है। रेस्ट के साथ साथ उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ्लूइड इंटेक बढ़ाना है, बैलेंस डाइट लेनी है। और अब जबकि स्ट्रेप्टोकॉकस थ्रोट इन्फेक्शन एक तरह से बैक्टीरिया की वजह से होने वाला इन्फेक्शन है तो फिर इसलिए उस पेशेंट को कुछ एंटीबायोटिक्स भी लेने पड़ते हैं, जैसे कि एमोक्सिलिन विथ क्लारिनिक एसिड या फिर एजिथ्रोमाइसिन। इसके बाद उस पेशेंट को कुछ सिम्टोमेटिक या फिर सपोर्टिव मेडिकेशन भी दे सकते हैं, जैसे कि फीवर को कम करने के लिए पैरासिटामोल या फिर वोमिटिंग सेंसेशन को कम करने के लिए कुछ एंटासिड भी दे सकते हैं। पेशेंट को अगर बदन दर्द है, सर दर्द है तो फिर उस पेशेंट को एनाल्जेसिक की मेडिकेशन भी दे सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है तो मल्टीविटामिन्स मल्टीमिनरल्स भी दे सकते हैं। और अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा रनिंग नोज की कंप्लेंट है या फिर बॉडी के ऊपर इचिंग सेंसेशन हो रहा है तो फिर उस पेशेंट में एंटीस्टामिन की मेडिसिन भी दे सकते हैं। इसका मतलब स्ट्रेप्टोकॉकस थ्रोट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, एंटीस्टामाइंस और मल्टीविटामिन्स या फिर मल्टीमिनरल्स इस तरह की मेडिकेशन दे सकते हैं। इसके साथ साथ उस पेशेंट को बेटाडीन माउथ गार्गल्स भी करने हैं, हमेशा गर्म पानी पीना है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं स्ट्रेप्टोकॉकस थ्रोट इन्फेक्शन के बारे में। तो आज हमने इस वीडियो में बात की स्ट्रेप्टोकॉकस थ्रोट इन्फेक्शन के बारे में। अगर आपके इसके विषय में कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स को आंसर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और अगर आपको इस वीडियो से कोई जानकारी मिली है तो फिर इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।